चुप हो गए, दम नहीं आप में, आप सोए हुए हो। नहीं नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। तुम लोग सोए हुए लोग हो, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। कहाँ बैठे? छोटे से कमरे में बैठे पीछे, और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा ACR उड़ा दिया जाएगा। हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, दम नहीं आप में। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त, बस भगवंत मान दे, बहुत शुक्र मान है, साड़ा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। आप सोए हुए हो, 650 हाई कोर्ट के जज है, 73% आप लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है, उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते, वो नफरत फैलाना जानते, भाषण देना चाहते, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने, ठीक है। अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा? अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा, क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे वो, क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा, हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में, 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा, 73% में दम नहीं है, होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा, नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा, 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा, दम नहीं है तुम में। अब सुनो, 90 लोगों में से
आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। 90 में से आपका कितना, 90 में से दलित आदिवासी पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ। 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 90 में से 7 आपके। और सुनो, पता कहां बैठे हैं? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, कहां बैठे हैं? छोटे से कमरे में बैठे हैं पीछे। और उनको कहा जाता है, तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा। एसीआर समझते हो? नहीं समझते। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो,